हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चपाती सैंडविच। इस रेसिपी को आप बनाकर अपने बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं या फिर नाश्ते में खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चपाती सैंडविच बनाने की सामग्री है 200 ग्राम पनीर है, जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। एक कप ग्रेट किया हुआ चीज़ है, एक बड़ा टमाटर है बारीक कटा हुआ, एक बड़ा शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, एक बड़ा प्याज है इसे भी हमने बारीक काट लिया है, दो बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला, एक चम्मच हरा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक नींबू, एक बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, तीन चम्मच टोमेटो सॉस, एक बड़ा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, तीन चम्मच बटर, नमक स्वाद के अनुसार, चार रोटी हमने ले ली है और दो बड़ा चम्मच तेल। पैन गरम हो गया है, पैन में दो बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, मिलाएंगे। कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। मीडियम आंच पर हम प्याज को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। प्याज को हमने सॉफ्ट होने तक पका लिया है, प्याज को ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डालेंगे, बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, पाव भाजी मसाला डालेंगे। सारी सामग्री को हम मीडियम आंच पर थोड़ी देर पकाएंगे। सारी सामग्री को हमने 2 मिनट तक पका लिया है। अब इसमें हम कटा हुआ पनीर डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे और मिलाएंगे। पनीर को हमने अच्छे से मिला लिया है, बहुत ही आराम से मिलाना है, नहीं तो पनीर हमारे टूट जाएंगे। अब इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डालेंगे, मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने धनिया पत्ते को मिक्स कर लिया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और सब्जी को प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम एक रोटी लेंगे, चकले पर रखेंगे, टोमेटो सॉस लगाएंगे। टोमेटो सॉस के जगह आप हरी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चीज़ डालेंगे इस तरह से। पनीर की स्टफिंग को हम चीज़ के ऊपर से रख देंगे। पनीर की स्टफिंग रखने के बाद फिर से हम ऊपर से थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे इस तरह से। और अब हम इस रोटी को इस तरह से मोड़ देंगे, इस तरह से हम हाथों से दबा देंगे। इसी तरह से हम सैंडविच बनाकर तैयार करेंगे और तवे पर सेकेंगे। सैंडविच को हम तवे पर सेकेंगे। तवे पर हम एक चम्मच बटर डालेंगे, बटर के जगह आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर मेल्ट हो गया है, अब हम रोटी को इस तरह से रख देंगे और धीमी आंच पर हम सेकेंगे। एक साइड से हमारा चपाती सैंडविच सेक गया है, ऊपर से हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे और चपाती को हम पलट कर दूसरे साइड भी सेक लेंगे। देखिए कितने आसानी से हमने पलट लिया। चपाती सैंडविच को हमने दोनों साइड से अच्छे से सेक लिया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे।
इसी तरह से हम सारे चपाती सैंडविच को बनाकर तैयार करेंगे। चपाती सैंडविच बनकर तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इस रेसिपी को आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।